इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चतुर्दश दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में भरत जी की ताजपोशी होनी है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ का प्रस्ताव आया, प्रमाण है उनने ऐसा किया तो उनका वैसा हुआ और इनने ऐसा किया तो इनका ऐसा हुआ, आपो वैसा करो तो तुम्हारा ऐसा वैसा होगा। गुरु जी ने कहा, सचिव जी ने अनुमोदन किया, बड़ी अम्बा ने भी समर्थन में कहा, लाला पूत पथ्य गुरु आयसु अहै, स्वीकार करिए। भरत जी ने, देखिए हमको आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है? हमारे जीवन में कोई बीमार आ रहा है का हो है? बंद करो एम्बुलेंस का, ये अस्पताल थोड़े है। तो हमको और आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। भरत जी ने अपनी प्राथमिकता तय की कि हमको राजपद पे रहना है अथवा राम पद पकड़ना है। स्मरण रहा, भरत जी निश्चित कर रहे हैं कि हमको राजपद पर बैठना है अथवा राम पद पर बैठना है। हमारी आपकी प्राथमिकताएं हमको निश्चित करनी होगी कि हमको राजपद चाहिए कि राम पद चाहिए। राम पद प्राप्त करने के लिए राजपद को प्रणाम करना पड़ेगा। घर में देखो, समझदार आदमी घर में मालिक नहीं बनता है। जो मालिक बनता है वो कितना भी बड़ा ईमानदार हो, लोग कहेंगे ऐसा दबाए रहते। अच्छी से अच्छी वस्तु, अच्छा से अच्छा व्यवहार करे तब भी कुछ ना कुछ घटे रहता है। मालिक बनना ही कलंक लेने जैसा है। आदमी किसी का जवान बेटा चला जाए, बिटिया के साथ घटना घट जाए, वृद्धावस्था में गिर पड़े, चोट लग जाए, आहा हा, भगवान को वैसा नहीं करना चाहिए जैसे भगवान इनको बता के किया हो। आप सोचो, जो सबका मालिक है, जब आदमी बिना देखे उसको नहीं छोड़ता है तो जो घर में मालिक है उसको कौन छोड़ेगा? सावधान, समझदार व्यक्ति केवल अपने व्यवहार में रहता है, मालिक पने में उलझता नहीं है। बस भरत जी साधु हैं, ये प्रमाण परमात्मा का है। जब भरत भैया के आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो मेरे प्रभु सोच में चले गए, अगले ही क्षण भगवान को स्मरण आया। समाधान तब भायह जाने कि भरत कहे महु साधु से। भरत हमारे कहने में रहते हैं। एक बात, भरत जी साधु हैं, सयाने मने समझते हैं। सयाना कौन? बात थोड़ी कही जाए और अधिक समझ में आ जाए वो सयाना है। बात कहनी भी न पड़े और समझ जाए वो जीव सयाना है। आंख बोले और समझ जाए वो अत्यधिक सयाना है। मन सोचे पिता का पुत्र समझ जाए वो अतिशय सयाना है।
श्री हनुमान जी। भगवान ने श्री हनुमान जी से क्या कहा? परसासी सुंदरकांड, परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जान। भगवान ने सिर पर हाथ फिराया, जाओ अजर अमर हो। यह आशीर्वाद कवच होता है। अपना जन जानकर, प्रिय जानकर भगवान ने मुद्रिका दे दी। अब संदेश कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो कहि बल बिरह बेगि तुम। अब बहुत प्रकार ये बाबा क्या समझाएंगे? ये ब्रह्मचारी महाराज क्या पति की बात पत्नी को समझाएंगे? सयाने, अतिशय सयाने श्री हनुमान जी महाराज भगवान के व्यवहार से, भाव भंगिमा से, बतियाने से, रहने से, उठने से, बैठने से, स्मरण के बोध से समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। अतिशय सयान। मैं बार बार कहता हूं, इसको खाली रखा जाए, सोच सहज रखी जाए, इसको बहुत उलझाया न जाए, नहीं तो इसकी कोई किल्ली कांटा एक दूसरे में फंसी तो ब्रेन हेमरेज होगा। हेमरेज बोलते ना, वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उलझ जाएगी ना सब। इसमें बड़ा पांच कोष है, सब ऐसे ऐसे बने हुए हैं। आपने देखा हो कभी नक्शे में, डॉक्टर साहब लोगों के यहाँ बड़े हैं, एको तंत्र उलझा तो वो फिर ट्यूमर बना देता है। इसलिए आदमी को जितना दबाव ले सकता है उतना ही दबाव लेना चाहिए, नहीं तो फटेगा। सहज सहज। गुरु जी ने तो वैसा कह दिया, भरत जी समझ गए कि अयोध्या की राज सत्ता माने मेरे लिए मांग तो लिया, लेकिन ये सत्ता हमारे बस की। अरे भाई, सत्ता भी सबके बस की नहीं है, मालिक होना। ये भरत जी अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, साधु बाबा हैं, ये तो राम जी के सेवक हैं, राज के सेवक नहीं। कौन, मनोज जी आए हैं क्या? नारायण। जैसे मनोज जी राजनेता हैं, इस समय मंत्री भी हैं, मान्यवर सॉरी माननीय मनोज जी पांडे, तो ये मंत्री साहब हैं। अब इनका काम हमको मिल जाए, हम इनका काम करें, हमारा काम ये करें, दोनों बिगड़ जाएगा। ये राजा हैं, हम बाबा हैं, हम अपना काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, और ये मिनिस्टर साहब हैं तो ये अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं। एक दूसरे में अतिक्रमण हुआ तो विकास रुकेगा। ये अपने तंत्र को संभाले, हम अपने तंत्र को, राम जी राज संभाल सकते हैं, भरत जी नहीं। और भरत जी तभी संभाल सकते हैं जब राम जी अपनी पादुका भरत जी को दे दे और कह दे कि जाओ इसको रख लेना, अब राज हमारा ही समझो। इतना भरत चरित्र है। अपने बारे में हमको जानना चाहिए कि हमारी क्षमता कितनी है, भरत जी जानते हैं। भरत जी ये भी जानते हैं कि मेरे भैया जब हमारे भाव को समझ सकते हैं, जैसा वो कहेंगे, और इसका प्रमाण दर्शन करिए, जब सुरपणखा आई है, लक्ष्मण जी के पास गई है, पहले परमात्मा के पास, फिर भैया के पास, भैया ने कहा सुनो तुम गलत आ गई, पहले ठीक गई थी, क्योंकि वो हैं राजा और मैं हूँ सेवक, मेरे साथ कुछ सोचोगी तो सेवा करना पड़ेगा। अरे बोली नहीं, मैं रानी बनूंगी। तो बोले वहीं जाओ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु कर ही उन्हें सब छाजा। परमात्मा सर्वकाल राजा है। देखो आप, राजपद ऐसे प्राप्त नहीं होता, राजपद तप से प्राप्त होता है।
जिसने जीवन में जन्मों में तप किया हो वही राजपद पर विराजता है। अब राजपद में कुछ दोष है। राजपद पर बैठने के बाद मनुष्य यदि राजपद की गरिमा को नहीं समझता है और जीवन तप में नहीं रहता है तो राजपद कभी भी ऐश्वर्य को समाप्त कर सकता है। तप करने से राज मिलता है, राजपद प्राप्त हो गया फिर यदि सावधान न रहे तो खतरे बहुत सारे हैं साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।